कांस फिल्म फेस्टिवल कल से शुरू होने जा रहा है। इस बार इस फेस्टिवल में अनुष्का शर्मा और मानुषी छिल्लर डेब्यू करने जा रही हैं। इनके लुक को देखने का हर किसी को इंतजार है। कपिल शर्मा ने बेटी संग किया रैंप वॉक, बाप बेटी की जोड़ी ने जीता फैंस का दिल, वीडियो हो रहा है वायरल। आलिया भट्ट एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी, जहां वो ऑल डेनिम लुक में बेहद खूबसूरत दिखी। लेकिन कुछ लोग आलिया के इस लुक को देख भड़क रहे हैं, उनकी तुलना दीपिका के लुक से कर रहे हैं। परिणीति चोपड़ा की मां रीना चोपड़ा ने अपनी बेटी के लिए इमोशनल नोट लिखा, जिसकी 13 मई को आपने नेता राघव चड्ढा से सगाई हुई थी। रीना चोपड़ा ने लिखा, अपने इस जीवन के सफर के दौरान कई सारे कारण इस दुनिया में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इस बात का यकीन दिला देंगे कि वहाँ ऊपर कोई भगवान बैठा है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ पहुंचकर उनके लिए अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आजकल की शादी सिर्फ दिखावा है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर का ये ट्वीट उस वक्त आया जब परिणीति राघव के एंगेजमेंट की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि उन्होंने परिणीति राघव पर तंज कसा है। अजय देवगन की मच एंटिसिपेटेड सुपरनेचुरल थ्रिलर में आर माधवन के शामिल होने की घोषणा के बाद मेकर्स ने एक और स्टार के साथ आने का ऐलान किया है। बता दें, इस फिल्म में एक्ट्रेस ज्योतिका शामिल होंगी, वो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएंगी। राघव चड्ढा से हुई एंगेजमेंट के बाद परिणीति चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस और मीडिया फोटोग्राफर्स का शुक्रिया किया जिन्होंने उन्हें इतना प्यार दिया। अमिताभ बच्चन की रॉयल एनफील्ड हिमालयन की सवारी, खुद नहीं पहने हेलमेट और लोगों को दे रहे थे नसीहत। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें दी हेलमेट पहनने की हिदायत। गाड़ी के साथ ऑटो रिक्शा पर निकली सारा और विक्की कौशल की टोली, जरा हटके जरा बच के ट्रेलर लॉन्च पर किया धमाल। जरा हटके जरा बच के ट्रेलर लॉन्च पर विक्की कौशल ने दूसरी शादी पर किया रिएक्ट, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर ये फिर माइक दो, इनको माइक दो, क्या बोला आपने? हाँ सर ये सुन लो, शाम को घर भी जाना है, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो, बच्चा हूँ अभी, बड़ा तो हो लेने दो, है कैसे जवाब दूँ इसका मैं? अरे पर ये, अरे इतना खतरनाक सवाल पूछा है इन्होंने। सवाल पे ही लाफा पड़ जाएगा सर, जन्मों जन्मों तक